हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पिछली वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा है कि पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आप यूज करते हो, मेन वर्ब आप कौन सी यूज करते हो, वो आपने सीखा है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस के फॉर्मूले देखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो, केवल सिंपल हो, साधारण, तो लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए ऐसे सेंटेंस में। हम इससे शुरू करते हैं, सब्जेक्ट से। इस प्रकार के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं अपन। सब्जेक्ट आप राइट कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर है तो सिंगुलर हो तो हैज लगाइए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लगाइए। उसके बाद में मेन वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप लगाइए। अब हम चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में आप हैज या हैव, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आता हो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आपको नॉट का प्रयोग करना है, ये नॉट आते ही नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद नोट के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करनी है, लिखनी है, उसके बाद में बचे हुए कुछ वर्ड्स लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ये थे अपन ने फॉर्मूले देखे, अफर्मेटिव सेंटेंस आप किस तरह से बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से बना सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।